जय माता की गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आप लोग सब देख करके समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ आए हुए हैं। तो आप लोगों से बता दें कि हम सब गुरु भगवान की कुटी में आए हुए हैं और टाइम है 6:30 बज रहे हैं। और आज हमने सोचा कि यहाँ की कर लेते हैं साफ़ सफाई, क्योंकि काफ़ी समय से हम सिर्फ मंदिर तक आते थे और सद्गुरु भगवान की बहुत ही पुरानी कुटी है। तो यहाँ हमने देखा कि भाभी भी काफ़ी 20-25 दिन से यहाँ नहीं आ पाती थी, क्योंकि पूजा पाठ करना नहीं था, ना कुटी के अंदर आना था। तो ये जो काम वाले हैं ना, इनसे भी कुछ भी नहीं होता है, इन लोगों के भरोसे रहो तो सिर्फ पानी डाल के ही चले जाते हैं। तो आज हम आए तो हमसे नहीं देखा गया, हमने रात से ही सोच लिया था कि आज यहाँ कुटी की अच्छे से हम साफ़ सफाई करेंगे। तो पूरी तरह से हमने जाला भी हटा लिया और जाला हटाने के बाद झाड़ू भी लगा लिया और झाड़ू के बाद इसके बाद ये बच्चे को पकड़ लिया है। तो जो काम वाले हैं भैया, उन्हीं का बेटा है, तो ये पानी डाल रहे हैं हम अच्छे से वाइपर चला करके, और फिर यहाँ पर लगा लेंगे पोंछा। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि पहले जब रुद्राभिषेक की वीडियो हम डालते थे तो रुद्राभिषेक पूरा पूजा पाठ यहीं हुआ था सद्गुरु भगवान की कुटी से ही। तो हमारा काम यहीं का है कि हम ज़्यादातर यहीं पर टाइम निकालते हैं। और पंडित जी आ गए, पूजा कर रहे हैं, तो आप लोग भी मंत्र सुनिए। अब आप लोगों ने सुन लिया पंडित जी के मंत्र। और यहाँ डेली ही पंडित जी आते हैं पूजा के लिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी के पास टाइम है नहीं है। और अक्सर इतने बड़े परिवार में कभी किसी के मतलब कुछ भी होता है, कभी देखिए बच्चा ही हो जाएगा तो सोवर हो जाएगी, तो सोवर होने के बाद घर के लोग पूजा नहीं करते। और आप लोग देख सकते हैं अच्छे से हमने आज क्लीन कर लिया पूरा, शीशा वगैरह हर जगह पहुंच करके, और बहुत अच्छे से सभी भगवान की कुटी साफ कर ली है। अब चल रहे हैं घर में, देखते हैं कि क्या हो रहा है घर के अंदर, या आप लोगों से मिलते हैं। तो अब हम आ गए हैं घर के अंदर और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि मनु महाराज यहाँ पर क्या बनवा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आलू बंडे बन रहे हैं और बहू रानी बना रही है। और मतलब आलू को अच्छे से मटर वगैरह तल करके तभी मनु को पसंद आते हैं ऐसे आलू बंडे। और देख रहे हैं कितने गुस्से में है मनु, और मनु को बहुत ही तेज़ भूख लगी है। वैसे भी मनु को यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमसे रोज़ रोज़ झगड़ा करते हैं, कहते कब चलोगे लखनऊ और हम आपके पछुआ कभी नहीं आएंगे। तो बच्चों में होता है कि कुछ मतलब, क्योंकि इसके साथ का यहाँ पर नहीं है बच्चे, तो आप लोगों को सुबह का सबका काम दिखा रहे हैं कि यहाँ कौन क्या कर रहा है। और ये बुधराज भैया जो जानवर हैं गाय भैंस, उनके लिए पीस रहे हैं आटा। और यहाँ पर ना बाहर आटा पीसने नहीं जाता, घर में ही पीस जाता है। और यहाँ पर हमारी भाभी जी क्या कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सत्तू बना रहे हैं। ये चने को रात में भिगो करके सुखा करके अभी भुजा करके, भुंजुआ जो होते हैं हमारे यहाँ बोलते हैं, तो वहीं पर भुजाने के बाद चने को आ गया, चना आ गया है। और भाभी चक्री में इसको दर रही हैं, और दरने के बाद इसको मतलब पछोरेंगी, पछोरने से जो इसकी चने की दाल निकलेगी उसी का बनता है सत्तू। तो हमारे यहाँ सत्तू ऐसे ही बनता है और सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो गाइज आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को सत्तू पसंद है कि नहीं पसंद, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग अब नहाने के बाद चल रहे हैं मंदिर, और मैंने भगवान जी के भी हमने सारे बर्तन साफ़ कर लिया। चलिए मिलते हैं आप लोगों से मंदिर में। तो अब हम आ गए हैं मंदिर और बहू को लेकर के आए हैं, क्योंकि बहू भी 2-2.5 महीने की समय आई हुई है और मंदिर बिल्कुल नहीं आ पाती थी, क्योंकि सुबह से इतने सारे काम हो जाते हैं। तो अब मंदिर की हमने पूजा कर लिया और बहू लगा रही भोग, और भोग लगाने के बाद आगे चलते हैं जहाँ मतलब मेन सद्गुरु भगवान की पुरानी कुटी है, जहाँ पे हमने किया सफाई। अब यहाँ मंदिर की भी पूजा करने हम लोग आ गए हैं, जहाँ पर मतलब भाभी के हमेशा मंदिर और शंकर भोले बाबा बैठे हुए आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तो हम हमेशा नहीं आते हैं, बस सद्गुरु भगवान के मंदिर तक ही आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। पर आज बहू को ले कर आए ना, तो बहू कह रही कि हमको यहाँ के भी दर्शन करना है, तो हमने यहाँ के भी दर्शन करा दिया और उसने सब भगवान जी के पूरे मंदिर की साफ़ सफाई भी कर ली है। अब आओ इधर मेरा, इसको पूरे दर्शन आज यहाँ के करा देते हैं, क्योंकि बिट्टू तो है नहीं, बिट्टू है तर्रा में और भाभी भी काम में लगी रहती है, तो इसके पास भी सुबह से काम, सुबह से खाना नाश्ता में लगी रहती है। तो आज हमने कहा कि चलो आज हम पूरे दर्शन यहाँ के तुमको करा देते हैं, सद्गुरु भगवान के मंदिर के भी और यहाँ के भी जो मेन स्थान है जहाँ पर सद्गुरु भगवान पहले रहते थे। और चलिए अब कुटी को भी दिखा देते हैं जहाँ
आज की है पूरी सफाई। तो ये देखें, बहू को भी दिखा देते हैं कि आज हमने सुबह से, ये हमसे सुबह से क्या कह रही थी कि बुआ आज आप कहाँ चली गई थी, तो हमने इनसे कहा कि आज हम लखनऊ चले गए थे सुबह से, क्योंकि यहाँ हमको पूरा टाइम तो पूरा देना ही पड़ा, वो तो आप लोगों से बताया ही हमने। तो ये देखिए पूरी सफाई किए हैं, और ये सतगुरु भगवान की कुटी ऐसी है कि पूरा यहाँ पर मीठा प्रसाद फल इतना रखा रहता था, और डेली के 40-50 लोग यहाँ पूरे, मतलब जो हाल हमने दिखाया आप लोगों को, पूरे हाल में सभी लोग बैठे रहते थे, और सबका चाय नाश्ता मीठा प्रसाद पूरा दिन चलता रहता था। पता नहीं कैसे आ जाता था इस कुटी में, कुछ समझ में नहीं आता था किसी को, और इतनी छोटी सी आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम बहू को भी दिखा रहे हैं कि तुम भी देख लो, यहाँ की मालकिन हो, क्योंकि भाभी जी मतलब ये बड़ी बहू है, पर भाभी के एक ही बेटा है, तो एक ही बहू भी है तो क्या कर सकते हैं, एक दो का नाम नहीं दे सकते, एक ही का नाम दे सकते हैं। मालकिन है भाई, यहाँ का भी देखना है, अतर्रा का भी देखना है, बिट्टू कितने दिन की साथीन है, साल दो साल बाद उसकी भी शादी हो जाएगी तो वो भी चली जाएगी, भाभी बचेंगी अकेले, तो भाभी यहाँ का भी इतना संभालेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि 24 घंटा सबका खाना पीना नाश्ता, और जल्दी लेकर के इनको पहुँचे घर, क्योंकि इनको बनाना है अभी खाना करीब 20-25 लोगों के लिए, पर चूल्हे में तो नहीं बनाना है इनको खाना, तो गैस में ही बनाना है, बट बनाना तो है। और टाइम तो बताया आप लोगों से कितना हो रहा, 10:30 बज रहे हैं, पूरी तरह से हमने टाइम देखा नहीं है, हो सकता है 10:30 ही बज रहे होंगे। और सुबह से तो आप लोगों ने देखा कितने लोगों को आलू बंडा बनाना, चाय बनाना, कितने भगोना चाय, सुबह से चाय बन जाती है। तो चलिए सब पूरा दर्शन आप लोगों को भी करा दिए, और हम लोगों ने भी कर लिया दर्शन। बंद कर दो, अच्छे से बंद कर दो, नहीं तो फिर से जितनी हमने सफाई किया है ना उतना ही कूड़ा हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन तो सफाई रहे, वही आज बिट्टू का सुबह से फ़ोन आया, कह रहे हैं वो जो भैया जिस समय नहीं रहे उनकी छोटी वाली बहू मतलब प्रेग्नेंट थी, तो बिट्टू बता रहे हैं कि 2 बजे रात से उनको ले गए हॉस्पिटल, और काफ़ी पेट में हो रहा दर्द, तो हो सकता है बच्चा हो जाएगा तो फिर इनके घर में सोवर हो जाएगी, तो फिर भाभी को ना मंदिर आना है ना पूजा करना है, 10-11 दिन फिर मानना पड़ेगा। तो वही हम भाभी से कह रहे थे कि हम पूरी तरह से हर जगह साफ सफाई कर दिए हैं, पूरा 10-15 दिन आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान जी के बर्तन भी साफ कर दिए हैं। तो चलिए बातें कम करते हैं और चलते हैं घर, क्योंकि बहू को लिवाए हैं, बहू को बनाना है खाना, क्यों खाना बनाना है, हाँ खिला दो, ये भी आप लोगों से जय माता दी कर रही हैं बताना पड़ता है ना, भी बहुत शांत है, कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है, जितना बताओ उतना ही करती है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। पूजा करने के बाद बहू रानी लग गई हैं किचन में, और क्या बना रही हैं आप लोग देख सकते हैं, कढ़ी, पकौड़ी वाली कढ़ी बना रही हैं। और वाकई यहाँ पर मट्ठा तो बहुत ही होता है, और मट्ठे वाली कढ़ी बनाओ ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मट्ठे वाली कढ़ी किसको किसको पसंद है, हमको तो बहुत ही पसंद है, बट लखनऊ में जब बनाते हैं ना कढ़ी तो वो कढ़ी हमको बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन यहाँ की कढ़ी तो बहुत ही पसंद आती है। लेकिन अगर बहू रानी चूल्हे में बना होती ना तो 108 उबाल आती, तब बहुत ही अच्छी बनती। तो चलिए मिलते हैं मनु से। तो क्यों आप इसीलिए तो नखरे कर रहे हो कि हमको खाना नहीं पसंद है, अगर आपने 6 आलू बंडा खाया तो इसीलिए तो कढ़ी चावल नहीं खाना, कढ़ी रोटी नहीं खाना है ना इसीलिए। अब बेटा फोन रख दो, बस टाइम जैसे ही देखा वैसे ही फोन में लग गए। तो चलते हैं, तैयार क्या होना है, ऐसे ही निकल लेंगे, तैयार ही तो है, कौन सा कहीं जाना है, यहीं बैंक तक तो ही जाना है। तो देखते हैं बैंक में भी वैसे क्या कैसे माहौल है, इस समय तो भीड़ भाड़ में जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना ही पड़ेगा, पता नहीं इनको इतना ज़रूरी बैंक में क्या काम है हमको लेके जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं जब बैंक जाते हैं, या बैंक में आप लोगों को वहाँ का दिखाते हैं कि यहाँ का कमासिंग का बैंक कैसा है, तो मिल गया थोड़ी देर बाद में।
अब आप लोग देख सकते हैं कि शाम के 4 बज रहे हैं और बहू क्या लगा रही, मेहंदी लगा रही। यही पास की एक लड़की है, उसके यहाँ शादी है तो लगा रही मेहंदी। और काफ़ी यहाँ पर अंधेरा है, मतलब लाइट नहीं है, इन्वर्टर की लाइट है। इसीलिए हम भी जब आपसे दोपहर में बात कर रहे थे ना, तो काफ़ी मतलब चेहरे कैसे आ रहे हैं, एकदम से वीडियो साफ नहीं आ रहा था। लेकिन बाहर इतनी धूप थी, हम इनसे कह रहे हैं कि चलो बाहर ही मेहंदी लगाओ, क्योंकि बाहर काफ़ी अभी उजाला है और बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं कि सब लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये काम वाली भाभी आती हैं, ये हमारे लिए बना रही चना, मतलब बना क्या फटक रही हैं, अच्छे से साफ़ कर रही हैं, क्योंकि चना बहुत ही मतलब वो जो गुठरू गुठरू होता है, भूसे होते हैं वो है चना में, तो वही साफ़ कर रहे हैं। इसके बाद धुलेंगी भी, धुलने के बाद हम इनको डाल देंगे छत में, और जब सुबह धूप निकलेगी तभी अच्छे से सूख जाएंगे। और यहाँ पर जैकी भी अंदर अपना पानी वानी पी रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं आप लोगों से छत में बातें करते हैं, और काफ़ी ठंडा मौसम है, तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं हम छत में। अब शाम के 5:30 बज रहे हैं और हम आए हुए हैं छत में, और पूरा काम धाम तो आप लोगों को दिखा ही दिया कि सब नीचे सब किस तरह का काम चल रहा है। और इतने दिन के आए हुए हैं, पर आज टाइम मिला है ऊपर छत में आने के लिए, क्योंकि नीचे इतना मतलब काफ़ी 2-3 आंगन और खुला खुला सा हो जाता है, तो ऊपर आने का कोई टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी भी मनु सो रहे हैं, और आज आप लोगों से बताएं कि बताए थे कि बैंक जाएंगे, पर बैंक का काम नहीं हो पाया है, पता नहीं क्यों हमको लेकर के नहीं गए हैं। और हो सकता है अब हमको 2 दिन और ही रुकना पड़े, क्योंकि कल हो जाएगा सैटरडे, पर तो संडे 2 दिन तो बैंक बंद रहता है। पर मनु आज ना दोपहर में बहुत ही रो रहे थे, कह रहे थे हमको नहीं रुकना है और हमको जल्दी लखनऊ जाना है, बहुत ही रोए हैं, रोने के बाद ही सोए हैं। पर क्या कर सकते, मनु को ना बिल्कुल यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ घर के तो कोई बच्चे हैं नहीं उसके साथ खेलने के लिए। अब बाहर हम बिल्कुल निकलने नहीं दे रहे हैं कि, और बाहर क्या, गाँव के यहाँ बच्चे ना मतलब मनु खेल भी नहीं पाता उन लोगों के साथ, काफ़ी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, तो मनु को बिल्कुल पसंद नहीं इस तरह बोलना। तो बहू भी मेहंदी लगा करके अब सबके लिए बना रही चाय, और आप लोगों ने देखा कि भाभी लगी हुई काम में। और जहाँ छत में आ जाओ ना, कितना अच्छा लग रहा है, और कितनी तेज हवा चल रही है, और बाहर सूपा की आवाज़ आ रही है, और आज यहाँ इतनी बरातें हैं कि चारों तरफ बैंड बाजा ही बाजा बज रहे हैं। आसाम के समय ना वाकई छत में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए ये पूरा भगवान जी का जो भगवान जी की जो पूरी बगिया का नज़ारा है, देखिए कितना अच्छा लगता है। और ये जो नीचे गुम्मक बना हुआ है ना, गुम्मक का पूरा वो दिख रहा है। आज काफ़ी समय बाद हम सोचते रहें कि जाएं छत में जाएं, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। जहाँ सब लोग आ जाते हैं नीचे, तो सबके पास बैठ जाओ, बातें करने लगो, तो बिल्कुल नहीं टाइम हो सकता। हमारा आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया हो, तो यहीं पर हम इस वीडियो का एंड भी कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल मंसूरी दिख रहा है, कोई मंसूरी से कम नहीं है। तो जब यहाँ मतलब लाइट की तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहती है, पर ऐसी कोई बात नहीं, अगर लाइट ना भी रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, छत में आ जाइए। छत में इतनी खुली खुली सी हवा, और वाकई मनु की वजह से हमको जाना पड़ रहा ना, नहीं तो अभी पूरा हम 1 महीना यहाँ रुकते हैं। मायका तो मायका ही होता है, पूरी आज़ादी रहती है, और हमको तो इस तरह ना खुले खुले में बहुत ही अच्छा लगता है। तो कहीं भी नहीं निकल भी नहीं पाते, तब भी बिल्कुल मन नहीं उठता है। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो का करते हैं एंड। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।